नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद मुदगल, आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर, और मैं एक लंबे समय से एक आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। इनिशियली हमने जो स्टार्ट किया था उससे बहुत मेजर सर्विस अभी के टाइम पर कर पा रहे हैं। मैं कैंसर डिपार्टमेंट को लीड करता हूँ। कैंसर की जो भी मेजर सारी बॉडी की सर्जरीज हैं, जिसमें कमांडो सर्जरी फॉर ओरल कैंसर्स, ईसोफेजेक्टोमी, स्टमक कैंसर्स, इंटेस्टाइन के मेजर कैंसर्स हैं जितने भी, लार्ज कोलोन कैंसर, हेमिकोलेक्टोमीज और रेक्टल कैंसर, गायनिक कैंसर, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा एंड बोन ट्यूमर, सारे कैंसर जो मेजर ट्यूमर हैं उनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और पहले ज़्यादातर मरीजों को अपोलो के, जब अपोलो स्पेक्ट्रा नहीं था उस समय बाहर रेफर करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर जो टीम वर्क हो रहा है, जो बेस्ट से बेस्ट काम हो रहा है, उससे हम पेशेंट को यहीं पर पूरा ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। पेशेंट पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। सबसे पहले मैं अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर के 8 साल होने की खुशी में सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको कंग्रेचुलेट करता हूँ। ये सबके कंबाइंड एफर्ट से, स्पेशली हमारे डायरेक्टर भसीन सर, भसीन मैम एंड गिरीश सर, इनके विजन और इनकी मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इतनी अच्छी पेशेंट केयर डिलीवर कर रहे हैं। मेरे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हम न्यूमरस ऐसे ज़रूरतमंदा पेशेंट थे जिनके फ्रैक्चर्स थे, जिन्हें घुटने के दर्द थे, जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी, गठिया बाई के मरीज थे, स्पाइन डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स थे। इन सब के बहुत अच्छे इलाज कर रहे हैं और हम ये आगे भी आपकी ब्लेसिंग से कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आबिद सलीम, मैं अपोलो आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में एज अ सीनियर कंसल्टेंट इन क्रिटिकल केयर पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ माय 4th ईयर रनिंग। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा को फॉर कंप्लीटिंग 8 ईयर्स इन प्रोवाइडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज इन हेल्थ केयर टू द पीपल ऑफ ग्वालियर। एंड मैं ऑल्सो कहना चाहूँगा कि ये आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, हमारा जो क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है, ये ग्वालियर में नहीं, इनफैक्ट मध्य प्रदेश के वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट्स में से एक आता है। और ये मुमकिन है और ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे जो इस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर पुरेन भसीन सर एंड डॉक्टर प्रेमवदा भसीन मैम एंड डॉक्टर गिरीश अरोरा सर और हमारे CEO डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, ये उनका विजन है कि वो हमेशा हर दिन ये एफर्ट लगाते रहते हैं कि डेली हम लोग इम्प्रूव करें हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ग्वालियर के लोगों को दिल्ली ना जाना पड़े। सो आई कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम और मेरी उम्मीद यही है कि हम आगे भी आने वाले दिनों में भी ऐसी ही बेस्ट फैसिलिटीज़ और बेस्ट केयर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकें और उन सब की मदद कर सकें जो गंभीर अवस्थाओं से जूझ रहे हैं। आज आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल को पूरे 8 साल होने को है। इसके लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट और स्पेशली ग्वालियर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हॉस्पिटल को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी तरह हॉस्पिटल के ऊपर अपना भरोसा बनाए रखिए। पिछले लगातार 8 वर्षों से आप लोग जो हॉस्पिटल के ऊपर भरोसा बनाए हुए हैं, उसके लिए ग्वालियर की जनता का और स्पेशली ग्वालियर के आसपास के कम से कम 200 किलोमीटर के एरिया के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस हॉस्पिटल पर अपना भरोसा बनाए हुए हैं और लगातार इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन, हमें सपोर्ट और साथ ही साथ हम भी उन्हें जो सेवाएं दे पा रहे हैं उनसे उनको जो उनका जो सेटिस्फेक्शन है जो हमें दिखता है अपने पेशेंट के अंदर, पेशेंट के साथ वालों के अंदर, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा इस ग्वालियर रीजन में आज एक कीर्तिमान आयाम स्थापित कर रहा है और इसमें मैं अपने यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ उपलब्धियां गिनाना चाहूंगा कि मैं इस डिपार्टमेंट से विगत कुछ 3 वर्षों से 2021 के समय से जुड़ा हुआ हूँ और हमने यहाँ कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं। इस दौरान हमने यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा 2021 में यहाँ पर की और स्टार्ट की थी और आज इस समय तक हम यहाँ पर तकरीबन 10 सफल किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पर कर चुके हैं और सभी पेशेंट हमारे यहाँ पर अच्छा, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, दे आर डूइंग वेरी गुड। इसके अलावा हम यहाँ पर किडनी स्टोन, प्रोस्टेट और किडनी से संबंधित अन्य बीमारियों के लिए भी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। मसलन जैसे कि जिन सर्जरीज के लिए पेशेंट्स पहले दिल्ली या आगरा रेफर होते थे या खुद अपने चॉइस पे चले जाते थे, जो कि उनको वो यहाँ ग्वालियर में वो ऑप्शन नहीं मिलते थे, वो सारी सुविधाएं, वो सारी फैसिलिटीज, सर्जरीज अब हम यहाँ आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में कर रहे हैं।
यहाँ हमने किडनी स्टोन की बिना किसी चीरे के लेजर पद्धति से सर्जरी, जैसे कि RIRS कहते हैं, पहली बार ग्वालियर में हमने आर्जन अपोलो स्पेक्ट्रा में ही स्टार्ट की। और आज हम यह बताते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम शहर में इसका सबसे ज्यादा सर्जरी करने वाला सेंटर है हमारा डिपार्टमेंट। इसके अलावा किडनी ट्यूमर से संबंधित जटिल सर्जरी जैसे कि पार्शियल नेफ्रेक्टोमी और लैप्टोस्कोपिक सर्जरी, जो कि किडनी की कई अन्य बीमारियों में लाभकर होती है, अत्यंत पेशेंट को उसमें तकलीफ कम होती है, वो सारी सर्जरीज हम इस यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में अर्जुन अपोलो स्पेक्ट्रा के में हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और इसके पीछे हमारे जो पूरी टीम है, जो हमारे डायरेक्टर्स का जो सहयोग है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आर्जन अपोलो स्पेक्ट्रा को ग्वालियर शहर में अपने सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरे करने के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, और आगे भी उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हम नित नए आयाम हासिल करते रहें। इन लास्ट इयर्स में हमने जो भी किडनी से सीरियस पेशेंट्स हैं, काफी क्रिटिकल स्टेज में हमारे पास जो आए थे वो रिकवर हुए हैं, और कुछ डायलिसिस पेशेंट्स भी थे जो कि इनिशियल स्टेज में उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ी, वो भी कम्प्लीटली रिकवर हुए हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट के भी काफी सीरियस पेशेंट्स थे जो जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, जिनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, वो भी हमने इन 3 वर्षों में सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्वालियर चंबल संभाग के जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, उनके लिए जो आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल है, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आप यहाँ पे 24/7 संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे अपोलो संस्थान को 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसके लिए हम सभी को, पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। और इस दौरान भसीन सर, भसीन मैम और गिरीश सर का जो सहयोग और मार्गदर्शन रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और बहुत बहुत बधाई। और यही कामना है कि आगे भी हम निरंतर उन्नति करते रहें इसी प्रकार से।